हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो यही आता है जो ट्रायंगल्स होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले इसके देखेंगे ट्रायंगल्स वो क्या है। तो ट्रायंगल्स कोई भी हमारे तो थ्री साइड फिगर हो जाएगी, यानी कि ऐसी फिगर जिसमें कितनी साइड हो हमारे पास, तीन साइड हो, तो वो क्या हो जाती है, ट्रायंगल। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो एनी थ्री साइडेड फिगर, ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की डेफिनेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारे चैप्टर में वो है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ये क्या होती है, देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो कॉन्ग्रेंस होता है उसका मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रेंस होता है तो कोई भी दो फिगर होंगी उनको हम ये कहेंगे कि दोनों कॉन्ग्रेंट है या कॉन्ग्रेंस को फॉलो करती है। कब, जब दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि जैसी साइड पहले वाली फिगर की है वही साइड दूसरी की भी होनी चाहिए, जैसी उसकी शेप है वही दूसरी की भी होनी चाहिए। हम मान लो इसके लिखेंगे एनी टू फिगर हैविंग एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी दो या दो से ज्यादा फिगर ले सकते हैं जिनकी सभी मेजरमेंट सेम हो जाए और जो सारी स्ट्रक्चर है वो उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी हो सेम, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंट। अब ट्राइंगल में है तो हम क्या लेते हैं, ये कोई भी मान लो हम दो ट्राइंगल लेके सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई और F। तो हम ये कहेंगे जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल डी ई एफ के। इसका मतलब क्या होगा, जो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं अगर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, ये हमारा कॉन्ग्रेंट का साइन होता है इक्वल टू, और उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर टाइप में ट्राइंगल डी ई है। तो ए बी सी ट्राइंगल है वो हमारे डी ई एफ ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट होगी। कब, व्हेन ए बी इज इक्वल टू डी, यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स है, कोरस्पोंडिंग जो पार्ट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यानी ये पार्ट और ये कॉन्ग्रेंट। अब साइड तो हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई, शेप भी हमें दिख रही है, जैसे इसकी शेप है वैसे इसकी शेप है। अब बारी आती है एंगल्स की, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी तो ये छह प्रॉपर्टी होंगी जो वो क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें सिर्फ तीन कंडीशन चाहिए होती है, या तो भाई तीन साइड पता चल जाए हमें तीनों साइड की लेंथ कितनी है, या दो एंगल और एक साइड के बारे में पता चल जाए, या दो साइड एक एंगल के बारे में पता चल जाए। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं जो हमें चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन सब वो देखते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट है उसकी कॉन्ग्रेंस का क्या मतलब, कॉन्ग्रेंस का क्या होता है आपको मैंने, कि सेम शेप और सेम लेंथ हो। तो ए बी और सी डी ये दो कोई भी लाइन है हमारी, या ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट है क्यों, क्योंकि इनके दोनों एंड पॉइंट्स है हमारे पास। तो हम ये कहेंगे जो ए बी और सी डी है कॉन्ग्रेंट है। कब, व्हेन ए बी इज इक्वल टू सी डी इन लेंथ, जब इन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी तो हम ये कहेंगे जो ए बी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी सी डी के, ठीक है। क्या बताया था, शेप और इसकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, तो शेप तो इनकी सेम है लाइन सेगमेंट के फॉर्म में है ये सारी, और जो वो क्या हो जाएगी इसकी साइज, यानी कि इसकी लेंथ सिर्फ एक यही मेजरमेंट है इसका, तो लेंथ भी इसमें क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी।
नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारे पास आती है वो डेफिनेशन, वो है कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। अब दो एंगल होंगे, एंगल वन एंगल टू, तो हम ये कहेंगे जो एंगल वन है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल टू के, कब वहन मेजर ऑफ बोथ एंगल्स इज इक्वल। ये कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब मेजर ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल टू। ये एम है वो मेजरमेंट को डिनोट करता है, एम एंगल एरिंग जिसका मतलब है ये मेजरमेंट है एंगल वन का। तो अगर इनके मेजरमेंट सेम होगी तो इंटर एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारी, सॉरी एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब हमारे पास है जो सफिशियंट कंडीशन है ट्राइंगल के बारे में, आपको कॉन्ग्रेंस बताई दी है ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होगी और होगी तो कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी। अब कुछ सफिशियंट कंडीशन है जिन कंडीशन की हेल्प से हम ये कह सकते हैं वो ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। तो वो देखो क्या होंगी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा सफिशियंट कंडीशंस और कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी उसकी कॉन्ग्रेंसी के लिए सफिशियंट कंडीशन क्या हो, यानी कि वो कंडीशन जिनसे हम ये कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट होगी, यानी कि सीधे तौर पे हमारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो हमारी कंडीशन हो जाएगी साइड एंगल साइड रिलेशन। सबसे पहला है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड रिलेशन। इसके अंदर ये कह सकते हैं कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ये क्या होगा, इसमें ये कहता है अगर मान लो कोई दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, तो दोनों की एक कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, दूसरी एक साइड और भी है जो कोरस्पोंडिंग साइड वो इक्वल है, और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमारे इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं वो ट्राइंगल होंगी दोनों वो हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो फॉर्म है वो हम कैसे लिखेंगे, जो एस ए एस है इसकी थ्योरम है ये, तो ये हो जाएगी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि दो ट्राइंगल है वो हमारी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी कब, इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू, यानी कि दो कोई भी साइड और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल एक ट्राइंगल का ये क्या है इक्वल है किसके, टू कोरस्पोंडिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। अब देखो क्या कह रहे हैं, इसमें हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है, हो गई है इस ट्राइंगल का हमने नाम लिख दिया ए बी सी, ये हमारी हो जाएगी डी ई और एफ। तो इसमें ये बता रहा है कि हमारी कोई भी दो साइड इसकी इक्वल है कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग का मतलब मैंने बताया था ये साइड है ये इसकी कोरस्पोंडिंग है, ये साइड इसकी कोरस्पोंडिंग है और ये बेस इसका कोरस्पोंडिंग है, ये एंगल ए एंगल डी का कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल बी एंगल ई का कोरस्पोंडिंग है और एंगल सी एंगल एफ का कोरस्पोंडिंग है। तो दो जो साइड है टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि दो साइड एक साइड ये इसके इक्वल है और दूसरी साइड ये इसकी
इसके इक्वल है एंड इनक्लूडेड एंगल। अब देखो जो इनक्लूडेड एंगल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हम इक्वल साइड लेके चले हैं, एक इक्वल साइड जो एंगल बनाती है ना इक्वल साइड जिस वर्टेक्स पे, वो एंगल हमारा इनक्लूडेड एंगल हो जाएगा। यानी कि हम ये दोनों साइड लेके चले हैं इक्वल, ठीक है, तो इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल ए। अगर हम ए बी और बी सी ये दो साइड लेके चलते हैं तो इनका इंक्लूडेड एंगल हमारा ये बी हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड लेके चलेंगे तो इनका इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा। अब एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो दो इक्वल साइड हम बता रहे हैं वो जिस वर्टेक्स पे आके मिलेगी उस वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा ना वो हमारे इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल और एंगल डी ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, और वो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल ले ली हमने, इनमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और एक प्रॉपर्टी क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये तीनों हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। इसमें तो देखो अब हम प्रूफ करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये हमारा जो ये प्रूफ है ना ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, इसका यहाँ पर कुछ मतलब प्रूफ करने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक मतलब हमारा ये भी होता है कि अगर इस फिगर को उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख देना, यानी इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दे, तो अगर ये फिगर इसको कम्प्लीटली ढक ले अपने आप से, इसका कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए और ना इसका कोई ऐसा पार्ट बचना चाहिए जो इसके पार्ट के ऊपर मैच ना करे, तो अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी कांग्रेट फिगर हो जाती है। अगर हम ज्योमेट्री के लिए ये फिगर भी देखते हैं तो उसके लिए, तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इफ बी सुपर इम्पोज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देन अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो एंगल है ये एंगल इसके डी के इक्वल है, तो ये पार्ट तो कंप्लीट एंगल इसको ढक लेगा। अब ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है तो ये साइड इसको भी ढक लेगी। अब जो ये साइड है ए सी ये डी एफ साइड के इक्वल है, ये साइड भी क्या करेगी, इसको पूरी तरह से कवर कर लेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, सो ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीटली सुपर इम्पोज ऑन ट्राइंगल डी ई एफ, तो रीजन क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये इसके ऊपर कम्प्लीट सुपर इम्पोज हो गई। अब हमें पता है ये साइड इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ये एंगल तो हमारा चेंज हो नहीं सकता, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ना ये एंगल चेंज हो सकता है ना इनकी लेंथ चेंज हो सकती है, तो इसका मतलब जो ये साइड होगी ये भी इसके इक्वल ही होना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट होते हम क्या लिखेंगे इसमें, जो एक चीज और लिखते हैं भाई सीपीसीटी, तो सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बच गए वो हमारे सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हमारे सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और ये साइड इसके इक्वल, यानी कि छह के छह जो इसकी चीजें हैं साइड एंगल वगैरह वो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो देखो, इससे पहले एक थ्योरम और है जो हमारी काफी जगह यूज होती है, वो क्या होगी इसमें,
नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें, कोई ट्राइंगल है हमारे पास ये, और हम क्या लेके चल रहे हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कोई भी दो साइड हम इक्वल लेके चलते हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड हमने क्या ले ली, ए बी सी इक्वल ले ली, तो बी वन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब जैसे कि ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा नहीं आपने, लेकिन हम पहले पढ़ा हो तो बता देता हूँ, अगर दो साइड ट्राइंगल इक्वल होती है वो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, ठीक है, तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी ट्राइंगल एबीसी, इसमें क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और हमें इसमें क्या प्रूव करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अब ये साइड हमारी इक्वल है दोनों, तो ए पी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बताएगा आपको एंगल सी, तो क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो इस साइड का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा और ए सी का अपोजिट एंगल बी हो जाएगा, ये हमें दोनों प्रूव करने हैं। अब ये एक ट्राइंगल है, इससे हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, और हमें पता है अगर हमें इस ट्राइंगल कॉन्ग्रेट दिखा दे तो कर सकते हैं, तो इस टाइप की जो फिगर होती है हम क्या करते हैं, हम एक बाइसेक्शन ड्रा करते हैं यहाँ पर, जो कंस्ट्रक्शन से ये एंगल वन और ये एंगल टू, तो हम ज्योमेट्रिकली इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ड्रा ए बाइसेक्टर, ये इसका नाम दे देंगे डी, ए डी ऑन बी सी सच दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्या किया हमने, हमने ए से एक बाइसेक्टर ड्रा किया है जो AD के नाम से है, जो BC के ऊपर किस पॉइंट पर मिलेगा, D पॉइंट पे, और बाइसेक्टर क्या होता है, वो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंगल का बाइसेक्टर साइड का बाइसेक्टर है तो साइड को इक्वल पार्ट्स में, यानी कि बाइसेक्टर वो होता है जो किन्हीं भी चीजों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ से एंगल A का बाइसेक्टर ये हुआ AD, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल टू। अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि ए बी डी और ए सी डी हमें दो ट्राइंगल मिल रही है, और हमें दिखाना क्या है, ये इक्वल दिखाने हैं, तो हम क्या लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी, भाई ए डी बी एक ट्राइंगल और ए डी सी दूसरे ट्राइंगल हमने ले ली, अब दो ट्राइंगल ले ली, हमें पता है कि ए बी और ए सी यहाँ पर इक्वल है, तो यहां से इस तरीके से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, हो गया, तो एस एस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो वहां से क्या है, हमें दो साइड चाहिए, एक साइड तो हमारी ये हो गई, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और ये क्यों लिखेंगे, बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, भाई ए डी है वो क्या हो गया, एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, अब दो प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट देखो अभी ए डी है वो इस ट्राइंगल की साइड भी है और इस ट्राइंगल की साइड भी है ना, और इस सेम फिगर के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, जितनी लेंथ AD की इस ट्राइंगल के लिए होगी उतनी लेंथ AD की इस ट्राइंगल के लिए भी हो जाएगी, तो AD यहाँ पर हमारा कॉमन है, तो AD क्या हो जाएगा, इक्वल, तो सो ट्राइंगल ABDB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रेंट, तो हेंस यहाँ लिखता हूँ मैं बाई सी बी सी डी, सी बी सी डी से क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए, तो ये थ्योरम की प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन सब वो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें फिगर गिवन है ये, ठीक है,
ए बी सी और डी, ये एंगल है ये कितना है 120 डिग्री। और इसमें क्या बता रखा है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी है वो क्या है ए सी के इक्वल है। अगर लाइन पे हम ये मार्क्स लगा दें इसका मतलब है वो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, फाइंड एंगल ए, जो एंगल ए है ये हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल समान कितना होता है 180 डिग्री। ये हमारी कोई लाइन है ए बी, क्या है इसके ऊपर एक रे है ए सी, इसका मतलब ये भी लीनियर रे बनाएगा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री इन दोनों का सम। और एक प्रॉपर्टी और है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी और ए सी हमारे पास इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि बिकॉज अपोज एंगल ऑफ अपोजिट अपोजिट एंगल सो इक्वल साइड आर इक्वल। भाई यहाँ पर ए बी है वो हमारा ए सी की इक्वल है, और यहाँ से हम क्या पढ़ा था कि जो एंगल साइड हमारी अगर इक्वल हो जाएंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो एंगल बी हमारे किसके इक्वल होंगे, एंगल सी के। ऑल्सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए सी बी ए और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो आगे इसको 180 डिग्री होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ लीनियर पेयर ये हमारा क्या है लीनियर पेयर है, तो यहाँ से एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 180 माइनस 120 60 आ जाएगा। तो ये जो एंगल होगा हमारे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए एंगल ए चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये हम इसमें रीजन लिखेंगे। और बी और सी क्या है हमारे इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस।